एक प्रॉब्लम है, शो दैट पॉइंट्स ए बी सी डी आर कोप्लेनर। अभी इन चारों को कोप्लेनर बताना है, कैसे? सॉल्यूशन। अब बताओ मुझे थोड़ी देर के लिए, ये एक प्लेन है कोई भी है, इसमें ए बी सी डी ये चार पॉइंट है, चारों एक ही प्लेन में ये शो करना है। अब बताओ एक ही प्लेन में अगर होंगे मान के चलो, तो इसका मतलब होता है कोप्लेनर है, तो इनसे बने जितने भी वेक्टर रहेंगे, कोई भी वेक्टर बनाओ आड़े तेड़े कैसे भी, वो सभी वेक्टर उसी प्लेन में रहेंगे। देखो ना आप इतने सारे वेक्टर उसी प्लेन में है, तो हम कोप्लेनर शो करने के लिए क्या पढ़े थे? हम कोप्लेनर शो करने के लिए पढ़े थे अगर किसी का एसटीपी जीरो आता है तो उसको हम कोप्लेनर बोलते हैं। एसटीपी में कितने वेक्टर रहते हैं? तीन वेक्टर रहते हैं। तो आपको क्या करना है, चार पॉइंट को कोप्लेनर बताना है, तो आप तीन वेक्टर का एसटीपी जीरो बता दो। अगर आपने तीनों वेक्टर का एसटीपी जीरो बताया, कौन से तीन? कोई भी तीन लो, जैसे मैं अगर ए से लेता हूं तो ए बी ए सी और ए डी, वेक्टर ए बी ए सी और ए डी किसी एक पॉइंट से ले लो। अगर मैंने इन तीनों वेक्टर का एसटीपी, एसटीपी यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर क्या बताया जीरो, इसका मतलब यह होता है ए बी ए सी ए डी तीनों वेक्टर को प्लेनर यानी एक ही प्लेन में, अगर इनका एसटीपी जीरो बताया। अब आप बताओ अगर तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में, इसका मतलब चारों पॉइंट उसी प्लेन में आ गए ना, यानी तीन वेक्टर को प्लेनर, इसका मतलब चारों पॉइंट को प्लेनर। इसलिए अगर चार पॉइंट को प्लेनर बताने आपको ए बी सी डी, अगर चार पॉइंट को प्लेनर बताने, तो आप क्या करो उनसे बने हुए तीन वेक्टर को प्लेनर बताओ, और तीन वेक्टर को प्लेनर कैसे बताते, उनका एसटीपी जीरो बताते। तो पहले इनके तैयार करना पड़ेगा, तो पहले वेक्टर ए बी बनाओ बी माइनस ए, तो पहले सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली, ऐसा पूरा सेंटेंस लिखना। वेक्टर ए बनाओ वेक्टर बी होगा माइनस जे, वेक्टर सी होगा फोर आई प्लस फोर के होगा, और वेक्टर बी कितना होगा टू आई प्लस के होगा, हाँ जीरो जे तो लिखते नहीं के। फिर वेक्टर ए बी बनाओ बी माइनस ए से, ठीक है ना, तो वो क्या होगा माइनस टू आई माइनस टू जे प्लस के होगा, है ना। बनाओ वेक्टर सी माइनस ए, ये सी से ए को क्या करो माइनस करो, तो क्या बनेगा टू आई माइनस जे प्लस फाइव के, है ना। आपको एक्चुअल माइनस करना है तभी आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। वेक्टर ए का क्या है डी माइनस ए, वेक्टर जैसे कि एग्जाम्पल देखो ये डी लिखो, लिखा मैंने डी माइनस ए, माइनस ए क्या तो क्या होता है साइन चेंज होता है, ये प्लस जे का माइनस जे माइनस के का प्लस के, कितना आंसर है टू आई माइनस टू आई कट गया माइनस जे एक जे और ये होगा के प्लस के टू के, ठीक है। तो पॉइंट ए कितना है टू वन माइनस वन, पॉइंट बी जीरो माइनस वन, पॉइंट सी कौन सा है फोर जीरो फोर, पॉइंट ए टू जीरो, वेक्टर डी क्या होता है डी माइनस ए, वेक्टर डी माइनस वेक्टर ए, तो फिर देखिए हमने वेक्टर ए बी ए सी और ए डी बनाया, अब कंसीडर करो उनका क्या एसटीपी, एसटीपी कैसे करते हैं ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए बी को ऊपर लिखते हैं क्या माइनस टू वन, वेक्टर ए सी को टू माइनस वन फाइव, और वेक्टर ए डी को आई का जीरो जे का माइनस वन और के का टू। अब इनको सॉल्व करो, इनका आंसर कितना आना चाहिए जीरो, अभी ये सॉल्व करना जानते हो ना, माइनस वन फाइव माइनस वन टू, बीच वाले का साइन चेंज, दो कॉलम छोड़ दो टू फाइव जीरो टू, और ये वन है कितना होगा टू माइनस वन जीरो माइनस वन, कितना होगा माइनस टू प्लस फाइव, क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस टू कितना होगा फोर माइनस जीरो, ये फोर माइनस जीरो, ये कितना होगा माइनस टू माइनस जीरो, ये होगा थ्री, थ्री टू जा सिक्स माइनस सिक्स, ये फोर टू जा सिक्स और ये माइनस टू, कहीं कभी गड़बड़ हुई है,
क्योंकि इन दोनों का कितना आता है जीरो माइनस टू, ऐसा होना नहीं चाहिए। कहीं तो भी यहाँ पे अपना पॉइंट लेने में कहीं तो भी हुआ है, पॉइंट ले लिया टू माइनस वन फाइव ना टेन डिग्री बी माइनस वन बोलेगा नहीं पॉज करो कुकिंग पॉज करो। देखिए यहाँ पे आंसर माइनस टू आया, इसका मतलब जानते हो क्या होता है? अगर एसटीपी का आंसर कितना माइनस टू आया यानी जीरो नहीं आया, जीरो नहीं आया इसका मतलब वेक्टर ए बी ए सी एंड ए डी आर नॉट कोप्लेनर। अगर ये तीन वेक्टर कोप्लेनर नहीं है तो इसका मतलब पॉइंट्स ए बी सी डी आर नॉन कोप्लेनर। ये भी होता, हमें क्वेश्चन को ही चेंज कर देगा ना, शो दैट द पॉइंट्स आर नॉन कोप्लेनर। मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, बताओ अगर ये पॉइंट अगर कोप्लेनर शो करने का होता ना तो ये वाला आंसर कितना आता? जीरो आता। जीरो आता तो क्या लिखते? वेक्टर ए बी ए सी डी आर कोप्लेनर, देयरफॉर पॉइंट ए बी सी डी आर कोप्लेनर। अगर क्वेश्चन में बोला है नॉन कोप्लेनर तो फिर ये जीरो नहीं आएगा, लिखना पड़ेगा कि जीरो नहीं है करके, तो नॉन कोप्लेनर। इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है।